नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। गौरी शंकर बिसेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आइए, उनके समर्थकों की भीड़ उन्हें घेरे हुए है। आइए हम बात करते हैं गौरी शंकर बिसेन से, वो क्या कहते हैं मंत्री पद को लेकर। आपके बंगले पर चहल पहल देखने में आ रही है, बड़ी संख्या में आपके समर्थक मौजूद हैं इस वक्त, क्या कारण है इसका? दो दिन पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से जानकारी प्रदेश के लोगों को लगा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है और कहीं ना कहीं विस्तार में मेरा नाम भी उन्होंने पढ़ा सुना। साथ ही साथ राजेंद्र शुक्ल जी, जो हमारे रीवा के माननीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उनका भी नाम सामने आया। और हमारे समर्थक राज्य भर में हैं, मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों से हमारे समर्थकों का बहुत बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के वातावरण भोपाल में आए हुए हैं और उन्हीं का जमावड़ा है। अब कार्यकर्ता हैं तो उनकी सारी चिंता तो हमको करनी पड़ेगी जी। जहाँ से आप विधायक है वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी और बाहुल्य क्षेत्र है, किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार का बेनिफिट आगामी? बालाघाट 68.9% ओबीसी वाला जिला है। बालाघाट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में दो विधानसभा क्षेत्र बरघाट एवं बैयर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र अनारक्षित हैं। बालाघाट देश के उन 22-25 नक्सलाइट जिलों में से एक है जो घोषित नक्सलाइट जिला है। बालाघाट अत्यंत ही संवेदनशील जिला है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारी पार्टी ने 9 बार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में और 4 बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर दिया और जिले की जनता ने, संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 बार सांसद और 7 बार विधायक चुनकर के सेवा का अवसर दिया है। कांग्रेस के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम में ही क्यों इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन किया, मंत्रिपरिषद मंत्री बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से लोग कांग्रेस को क्यों कष्ट होना चाहिए भाई? संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो हमारी विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है उसमें 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अभी 4 पद खाली है तो 4 पद भरे जा सकते हैं, इसमें कांग्रेस को या किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को कष्ट होने का सवाल नहीं।